वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एसएससी ट्यू व्हिच इज पावर्ड बाय ऑलिव बॉर्न। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। गाइज, एक बार पहले मुझे ये बताओ, सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। साउंड प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, गुड आफ्टरनून। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड का टाइम दीजिए गाइज, अभी साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके चलो, हाँ भाई अब बताओ सब ठीक है? साउंड अभी सही आ रही है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? चलो हाँ, मैम बहुत नॉइस हो रहा है, चलो अब ठीक है। सो गाइज, आज शुरुआत करते हैं आज के दिन की और देखते हैं जरा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है? ओके, एक बार से ईमानदारी के साथ में सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है? चलो देखो भाई, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी क्लासेस चल रही हैं सबका टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें बस मेरा टाइम टेबल गलत दिया है, जो आप लोगों को पता ही है। कितने बजे लगती है क्लास? 3:30 से 4:30 लगती है, ठीक है? ओके, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, जो कि सारी फ्री नहीं मिलेगी। करंट अफेयर्स, जीके के सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। टेस्ट सीरीज संडे को लाइव टेस्ट होता है, जो एकदम फ्री होता है, बाकी दिन पेड होता है। और इसके अलावा लाइव जितने भी क्लासेस चल रही हैं उनके पेड बैचेस भी हैं, जो आपको इसी प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ठीक है? अब तो नहीं है भाई साउंड प्रॉब्लम, ठीक है? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक योजना से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है जिसने वन ब्लॉक वन डिस्ट्रिक्ट योजना को स्टार्ट किया है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ये जो योजना है वो कौन से स्टेट ने शुरू की थी, ये आपको बताना है। चलो आंसर करो जल्दी से, लिटिल बिट, अब तो नहीं यार, मुझे रुको चेक करने दो। ये जो योजना है वो कौन से स्टेट ने शुरू की? मतलब इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, शानदार क्लास चले, नलायक एक नंबर की, कहां दिक्कत आ रही है बताओ? सब तो ठीक चल रहा है। चलो हाँ, श्वेता बोल रही मैम हरियाणा आंसर है, बिल्कुल ठीक है। कल है ऐसा नहीं तो नहीं है ना, ये क्वेश्चन कल कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था आपको। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखो, जब इस योजना की बात करते हैं वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, तो आप लोग जानते हैं जब कोई भी स्टेट होता है तो देखो सबसे पहले क्या आता है उसके अंदर, पहले जैसे कि आपको कि ग्राम आता है, मैं है ना, उसके ऊपर क्या आते हैं, फिर ब्लॉक्स आते हैं, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, और फिर क्या बनता है, स्टेट बनता है, ठीक है? तो ये जो ग्राम है ना, इस पर नहीं हुआ, जिस योजना को स्टार्ट किया है ब्लॉक लेवल पर स्टार्ट किया गया। इसी प्रकार की योजना है जो कि क्या है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी वन ब्लॉक की जगह पर वन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये योजना आपको उत्तर प्रदेश में मिलती है, लेकिन अगर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो हरियाणा इसका आंसर करके आओगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये ब्लॉक लेवल पर स्टार्ट हुई। अब इसके अंदर होगा क्या, आपने देखा होगा जो एमएसएमई के छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जिनका बिजनेस होता है एमएसएमई का, ठीक है? तो उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको यहाँ पर जोड़ने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को और फेमस करने के लिए, जैसे वो सीरियल नहीं आता है आपने देखा होगा, वो माधवी भाभी का अचार पापड़ है ना, बिल्कुल उसी प्रकार के जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो सरकार क्या करती है, उनके प्रोडक्ट्स को और ज्यादा फेमस करने की कोशिश करती है, ताकि उनको और भी ज्यादा अर्निंग हो सके, ठीक है? चलो ये तो बात हो गई इस योजना की। अब जरा तुमको थोड़ा सा हरियाणा घुमा देते हैं। देखो पहली चीज, सीएम कौन है भाई यहाँ पर? मनोहर लाल खट्टर हो गए, ठीक है। गवर्नर की बात करते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर थे वही गवर्नर आपके यहाँ पर आ गए। नाम क्या है उनका? बंदारू दत्तात्रेय है। हे भगवान, ये पैन भी आज फिर से गड़बड़ हो गया यार, सॉरी गाइस मैं भूल गई, सीरियसली इसको ठीक कराना, एक्चुअली कल मेरा दिमाग से निकल गया। सेशन को एक बार से शेयर कर दो प्लीज, हाँ ईमानदारी के साथ में सेशन को शेयर कर दो, और जितना वॉचिंग चल रहा है फटाक से वन लाइक भी कर दो, ठीक है? अब देखो, बंदारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, हरियाणा ने क्या क्या स्टार्ट किया था? ग्रीन एटीएम स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था, इस एटीएम से तीन प्रकार के अनाज निकलते हैं, कौन कौन से है आपका, गेहूं, चावल और बाजरा। चलो ठीक है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ये मैंने आपको बताया था 112 के नाम से स्टार्ट किया था। कौन कौन सी इमरजेंसी हेल्पलाइन दी जाएंगी यहाँ पर? मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी प्लस हॉस्पिटल सर्विसेज मिलेंगी 112 पे। अच्छा और क्या हुआ था यहाँ पर, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके अंदर 75% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर की गई हैं सरकार के द्वारा, किन के लिए?
स्थान है लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि बाहर से कोई भी आकर के अगर यहाँ पर जॉब करता है हरियाणा के अंदर, तो उनके लिए जो सीटें यहाँ पर है वो सिर्फ 25% है। ओके, अब आप कहोगे मैम इसी प्रकार की योजना आंध्र प्रदेश में भी तो स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल, और इसके अलावा झारखंड में भी इस प्रकार की योजना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इनमें भी 75% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहां तक बताओ क्लियर है सभी को? गौरव सर के शेयर बेटा, शांति, हाँ शांति, थोड़ा सा क्यों भावना में भेज जा रहे हो कतई। अच्छा अगले क्वेश्चन पे बढ़े, यहाँ तक समझ आया सभी को? यहाँ पर दो ही नेशनल पार्क आपको मिलते हैं हरियाणा के अंदर, सुल्तानपुर मिलेगा और कलेश्वर मिलेगा, ठीक है, दोनों याद रखना। दमदमा झील ये आपको हरियाणा के अंदर मिलती है, इसके अलावा हाँ झारखंड हो गया, झारखंड हो गया और आंध्र प्रदेश, ये सारी चीजें याद रखना। इसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी जो आपके ओलंपिक्स हुए हैं तो ओलंपिक्स के अंदर, हे भगवान ये पेन तो सही में यार गुस्सा आ रहा है इसमें। देखो अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं उसके अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतकर आता है तो उसे कितना दिया जाएगा, 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उसे। जैसे कि अभी नीरज चोपड़ा हो गए ना, उनकी चांदी 6 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा, और सिल्वर जीतने वाले को कितना मिलेगा, 4 करोड़ रुपए, और जो ब्रॉन्ज जीत कर लाएगा उसे कितना दिया जाएगा, 2.5 करोड़ रुपए। अच्छा हरियाणा से इंस्पायर हो करके एक और स्टेट ऐसा है जिसने ऐसा किया, वो कौन सा है, तमिलनाडु, लेकिन इसने कहा था कि हम गोल्ड जीतने वाले को 3 करोड़ देंगे। भाई हरियाणा वाले तो होते ही हैं दिल के खुले, तो तुमको पता ही है ना। अच्छा सिल्वर जीतने वाले को कितना, 2 करोड़ बोला गया था, और ब्रॉन्ज जीतने वालों को बोला था कि 1 करोड़ रुपया हम देंगे। यार आज कसम से स्पेन में ज्यादा दिक्कत आ रही है गाइस, आज कसम से बता रही हूँ, पक्का मैं याद से ठीक कराऊंगी। कल मतलब मेरे को था, मैंने सर को बोल भी दिया था कि सर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो सर ने कहा था कि हाँ मैम सॉल्व हो जाएगी, आप फ्री होके बता दीजिएगा, लेकिन मुझे ही दिमाग से निकल गया। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मुंबई एयरपोर्ट का कार्यभार किसने संभाल लिया है? एक तो भाई मुंबई एयरपोर्ट, चलो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, इसका कार्यभार अभी किसी और ने संभाल लिया, चलो ठीक है। लेकिन एयर इंडिया, एयर इंडिया ये अब इंडिया की नहीं रही, मतलब सरकार की नहीं रही, ठीक है, क्या हो चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है। जब हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1932 के अंदर की जाती है, किसके द्वारा, JRD टाटा के द्वारा, ओके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, 1940 समथिंग की बात है, ये अप्रोक्सीमेट में बता रही हूँ आपको। इसमें क्या हुआ था, इसके जो 49% शेयर थे वो खरीद लिए थे किसने, सरकार ने खरीद लिए थे, और उसके बाद इसका नाम कर दिया गया था एयर इंडिया। तो पहले क्या था इसका नाम, पहले इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था, क्या कहा जाता था, टाटा एयरलाइंस से पहले हम कहते थे, ठीक है। अब फिर से किसके पास चली गई है, अब इसकी बोली लग चुकी है, नीलाम हो चुका है एयर इंडिया, और ये जो बोली लगाई गई है सबसे ज्यादा वो टाटा ग्रुप ने ही लगाई है, यानी कि जो टाटा ग्रुप है एक बार फिर से एयर इंडिया उसके पास में आ चुकी है, ठीक है। चलो तो ये प्राइवेट हो गया, रेलवे का काफी सारा हिस्सा प्राइवेट हो गया, भाई ले लो जल्दी से सरकारी नौकरी, पता चले तुम भी सब प्राइवेट हो जा रहे हो, ठीक है। चलो अच्छा सुनो, कम बैक टू द क्वेश्चन, मुंबई एयरपोर्ट की हम बात कर रहे थे, इसको किसने ले लिया है, गौतम अडानी ने, सोच लो, हाँ चलो बिल्कुल सही, अडानी ग्रुप्स, किसने ले लिया, अडानी ग्रुप्स ने ले लिया। यह पहले भी जो है बेसिकली जैसे कि लखनऊ का हो गया आपका एयरपोर्ट, मंगलुरु का हो गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट हो गया, इन सब एयरपोर्ट्स के कमान भी अडानी ग्रुप को मिल चुकी है, ठीक है, और अब मुंबई एयरपोर्ट भी इनके पास में आ चुका है, समझ आया सभी को। चलो अच्छा तो अडानी ग्रुप्स अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके मतलब इनमें जितने भी हवाई अड्डों का जो काम ये संभालते हैं, जैसे कि मैंने बताया मंगलुरु हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट हो गया, और ये मुंबई हो गया, तो इन सभी एयरपोर्ट्स को संभालने के लिए इनका जो बिजनेस चल रहा है, इनका जो पूरा कारोबार है, उसके लिए किसी पर्सन को भी अपॉइंट किया होगा। तो यहाँ पर जो CEO है उनका नाम याद रखिएगा, RK जैन है, क्या है, RK जैन है, ठीक है। चलो अब जरा बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में, सुनो अडानी ग्रुप इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 1988 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। फाउंडर कौन है, गौतम अडानी मैम, और कौन होंगे इसके फाउंडर, ठीक है। चलो अच्छा अब सुनो, जो भी मतलब कौन कौन सी सर्विसेज अडानी ग्रुप के द्वारा दी जाती है, गाइस सेशन को लाइक एंड शेयर करते चाहिएगा बिना किसी कंजूसी के, और ये जो है ना मैंने आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपकी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी है ये आप लोगों की, ओके, तो बिना कहे प्लीज हाँ कर दीजिएगा। चलो अच्छा सुनो,
अडानी ग्रुप्स के पास में कौन कौन से काम है, मतलब क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। देखो, पोर्ट मैनेजमेंट, जितने बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, शिपिंग कराने का, ये सब मैनेजमेंट ये करवाता है। माइनिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटी देता है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस का काम भी ये करता है। कॉल गैसेस है इसके, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है इसका। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है अडानी ग्रुप के द्वारा। समझ आए सभी को? मैम ड्यूटी करके आते हैं। ओह हो, चलो ये वाली ड्यूटी जो मैंने तुमको दी है इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो अच्छा आगे आ जाओ। किस देश में हाल ही में S-500 मिसाइल सिस्टम है जिसको सक्सेसफुली क्या किया गया है, उसको टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। जब हम S-500 की बात करते हैं या फिर हम S-400 की बात करते हैं तो सीधा सीधा एक कंट्री का नाम आपको आना चाहिए याद, कौन सी कंट्री। आंसर नहीं आया अभी तक, पैन चेंज कर लो मैम। अरे खाली पैन नहीं, ये पैन टैप पूरा चेंज होगा, ठीक है, खर्चा आएगा बहुत ज्यादा, चंदा इकट्ठा करवाऊंगे तुम लोगों से, ठीक है। चलो अच्छा ओके, सी आंसर आ रही है रशिया, बिल्कुल सही है। देखो जो मिसाइल्स S-500 है या फिर S-400 है, तो ये जो मिसाइल हाकी, दोनों ही मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, रशिया के द्वारा लॉन्च की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, रशिया के द्वारा दोनों ही मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। आप सुनो, कब लॉन्च किया जा रहा है, मतलब कब इसका टेस्टिंग किया था, 20 जुलाई 2021 को टेस्टिंग किया गया था। अच्छा ये है कौन से मिसाइल, तो ये एक प्रकार की एयर डिफेंस मिसाइल है, एयर डिफेंस मिसाइल है। इससे क्या होगा, हाई स्पीड बैलिस्टिक को टारगेट कर सकती है, टारगेट को ये हिट कर सकती है। तो अच्छा पहला सवाल आप ये पूछोगे मैडम रेंज कितनी है, 600 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी, कितनी है, 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। अच्छा आप मुझे बताओ गजनवी के बारे में, किसने लॉन्च करी है गजनवी, भाई साहब इसको मत भूल जाना, ठीक है, पाकिस्तान ने लॉन्च करी है। ओके गजनवी की जब बात करते हैं तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी है, 300, हे भगवान ये जो पेन है ना मौत आती है इसको, 300 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज हो जाएगी, किसकी, गजनवी की। लॉन्च किसने किया है, पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा कुछ और मिसाइल्स अभी तुमको करा देते हैं। सुनो ब्रह्मोस, भारत का पहला प्यार ब्रह्मोस मिसाइल, इसके रेंज की जब बात करेंगे तो 29, देख रहे हो कहां जा रहा है, मतलब हद हो गई है, 290 किलोमीटर जो है ब्रह्मोस की रेंज हो जाएगी। और ये हमने किस कंट्री के साथ में मिलकर बनाया है, तो आपको याद रखना है रशिया के साथ में इसे मिलकर हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा कौन सी कंट्री को दिया जा रहा है, तो ये अभी हम दे रहे हैं किसको, फिलीपींस को, हे भगवान किसको दे रहे हैं, फिलीपींस को दे रहे हैं, पैन का बेड़ा गर्क हो गया है कतई सच में। चलो अच्छा ठीक है, नल्ला पाकिस्तान का बाप इंडिया, ठीक है बाप इंडिया, चक्कर किसके साथ चल रहा है, चाइना के साथ में, हाँ ना किसकी कटवा रहा फिर, इंडिया की। चलो सुनो इतनी चीजें आपको याद रखनी है मिसाइल्स को लेकर के, एक काम करते हैं पूरे आप लोगों को एक ही मैं सेशन प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें सारी मिसाइल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ चलो अभी रिविजन सेशन चल रहा है क्योंकि आपका ये SSC GD के लिए। ओके नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से कौन यूपी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, कौन हाइड्रोजन ग्रीन संयंत्र स्थापित करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो बताओ भाई जल्दी से, यूपी में क्या बनने जा रहा, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने जा रहा। चलो फिर बताते हैं इसके बारे में तुमको, पहले आंसर करो बी, कौन बना रहा है इसको, कौन बना रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सोच लो। चलो सारे के सारे बच्चे भावनाओं में बहते हुए और सारे के सारे एक दूसरे की भावनाओं में डूबते हुए इस क्वेश्चन को गलत कर बैठे हैं। खैर आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हम बताते हैं आपको सही आंसर। आप सुनो ध्यान से, जो इंडियन ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड कंपनी है, ऑयल एंड क्लीन एनर्जी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए इसने क्या किया है, मथुरा के अंदर, हाँ कृष्णा जी की नगरी जो मथुरा है, मथुरा के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जिसको डेवलप किया है, ठीक है। अब इसके लिए जो कंपनी है वो क्या करेगी, 250 मेगावाट, कितना, 250 मेगावाट बिजली का यहाँ पर यूज करेगी, किसके लिए, सोलर पैनल्स डेवलप किए जाएंगे, सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन से होता क्या है, देखो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जीरो कार्बन एमिशन होता है इससे,
और आज के टाइम पर हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कार्बन एमिशन की है कि नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा रेलवे ने जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज ने रखा है, चाइना ने अलग, जापान ने अलग रखा है, यूनाइटेड नेशंस ने अलग रखा है, कंपनीज ने अलग रखा है। तो इसका पर्पज क्या होता है? क्योंकि जब कार्बन एमिट होता है तो वो पर्यावरण में बहुत हानि पहुंचाते हैं, ये तो आप सभी को पता है ना, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए अब क्या ये प्लांट जो लगाया जा रहा है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर बेस्ड होगा, जिससे क्या है जीरो कार्बन एमिट होगा। समझ आया सभी को? किस किस का यूज करके? सोलर पावर का, विंड पावर का यूज करके वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। हाँ, राजेंद्र सिंह बिल्कुल सही है, 2030 तक रेलवे जो है जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हासिल कर लेगा। लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो ये कब तक? 2050 तक। जापान कब तक? 2050 तक। ये चीजें याद रखेगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुनो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने किसको 25 रिमोट कंट्रोल तोपे है जो कि सौंपे हैं, ठीक है। ये क्या है? गन्स है, रिमोट कंट्रोल गन्स सौंपी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने। किसको सौंपी है ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई फटाक से आंसर यहाँ पर क्या होगा। मैम वो बहुत पढ़ाई करती है, क्या करो इसका? इसका भाई पढ़ाई करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, उनका कुछ मत करो, अपना करो तुम। बताएंगे सारी चीज वीरेंद्र कुमार, सेशन के लास्ट में एक बार से मुझसे पूछ लेना, मैं सारी चीजें बता दूंगी आपको, ठीक है। अब सुनो, देखो भाई हुआ क्या है, ये जो रिमोट कंट्रोल तोपे गन्स जो है ये एक सिस्टम है जो कि हमने कंट्री से लिया है। आप कहोगे किससे लिया है? तो इसराइल से लिया है, ठीक है। क्या है ये? इसके अंदर इनबिल्ट करके कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। इनबिल्ट का मतलब समझ लो किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ऐसे जो इसके अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ट्रैकिंग एंड ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि क्या किया जा सके, ट्रैकिंग किया जा सके, ऑब्जर्वेशन। मान लो बंदूक, मान लो ये जो गन है इसको लेकर के चढ़ाई कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है ना वो किसी की भी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सिस्टम है जिसको डेवलप किया है, किस कंट्री से लिया है हमने? इसराइल से लिया है। जो हेरोन ड्रोन थे वो हमने किससे लिए थे? यहीं से लिए थे वो भी हमने, जो कहां तैनात किया था? लद्दाख वाले एरिया में हमने उसको डिप्लॉय किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा तो अब ये किसे सौंपे जा रहे हैं? आर्मी को या नेवी को? सोच लो। कह रहे हैं कि मैम एयरफोर्स को। मेरे ऑप्शन से तो तुम्हारे आंसर बाहर ही होते हैं कभी कभी। इंडियन नेवी को सौंपे जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तैयारी कच्ची है। तो बेटा रोज क्लास में आया करो फिर, ठीक है, रोज क्लास के अंदर आया करो। मैं ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ना, मैं आपको 6 मंथ्स का करा चुकी हूँ। कितने दिन में करा चुकी हूँ? 10 दिन हुए होंगे शायद ये सीरीज स्टार्ट हुए। 6 मंथ्स का मैंने करा दिया है, 6 मंथ का और बचा है। मैक्स टू मैक्स ये 8-10 दिन और सीरीज चलेगी। आपका 1 ईयर का करंट अफेयर्स मैं कम्प्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो डेली क्लास के अंदर आया करो, समझ में आई बात? सुबह 6 बजे भी कराती हूँ यही क्वेश्चंस और शाम को 3:30 भी, दोनों टाइम क्लास लगती है, ओके। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? अब समझ जाओ इतनी किलोमीटर की रफ्तार है, मतलब हवा की रफ्तार से गाड़ी जाएगी, तो ये जो ट्रेन है किस देश की हो सकती है? बताओ, दो ही हो सकते हैं यहाँ पर, या तो जापान या तो चाइना। भाई कुछ भी कहो, चाहे हम चाइना को कितनी भी गालियां दे दें, है ना, चाहे हम चाइना को कितनी भी गालियां दे ले, कितना भी हम इसको चिरकुट बोले, लेकिन भाई चाइना आगे रहता है इंडिया से काफी। ये एक कड़वा सच है जो हमें अपने गले से उतारना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। तो चाइना ने यहाँ पर डेवलप किया है 600 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने वाली मेट्रो, सॉरी बुलेट ट्रेन। कौन सी? बुलेट ट्रेन। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो स्पीड से चलने वाली ट्रेन है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। ये क्या है? वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है, जो कहां से कहां तक चलेगी? तो आपको बताना है बीजिंग से लेकर के और शंघाई तक ये चलने वाली। कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, 2.5 घंटे में करेगी इतना इस स्पीड के हिसाब से। तो ये जो हाई स्पीड है किस प्रोजेक्ट पर बेस है? मैग्लेव प्रोजेक्ट पर बेस है, मैग्लेव बेस्ड प्रोजेक्ट। अच्छा
शुरू कब हुई थी? 2016 में इसका टेस्टिंग किया गया था, 2016 में। इसके अंदर क्या हो रखा है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका यूज करके बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकि जो रेलवे ट्रैक होता है उससे ऊपर से ये लुढ़क ना जाए, तो ये इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है। समझ आए सभी को क्वेश्चन? जब हम चाइना की बात करते, चाइना घूमने चलोगे? दिखाएं थोड़ा सा चाइना तुमको। हाँ नहीं मैम, चलो बाहर से आ जाएंगे। सुनो फिर, कैपिटल बीजिंग इसकी कैपिटल है, और बीजिंग की जब बात करते हैं तो 2022 वाले जो ओलंपिक्स आपके कौन से, विंटर ओलंपिक्स यहीं पर होने वाले हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये आईओसी ने कह दिया है। अच्छा, करेंसी पूछा जाए तो रेनमिनबी यहाँ पर करेंसी यूज होती है, और अगर पूछा जाए चाइना की डिजिटल करेंसी तो युआन आंसर करके आओगे, कौन सा? युआन। अभी हाल ही में चाइना ने बांग्लादेश को कितना फंड देने की बात कही थी? 200 युआन देने की बात कही थी, जब बांग्लादेश नहीं, अरे वो कौन सा है, तालिबान वाला, अफगानिस्तान, ठीक है। 200 युआन अफगानिस्तान को कहा था कि हम इतना यहाँ पर हेल्प करेंगे, क्योंकि वहां क्या है, भुखमरी फैल गई थी। चलो अच्छा, इसका जो मंगल मिशन है उसका नाम याद रखिएगा, तियानवेन है। क्या है यार, लिखा नहीं जा रहा है, मैं तुमको बता दे रही हूँ, इसका जो मंगल मिशन है उसका नाम हो जाएगा तियानवेन, और जो इसके लिए रोवर भेजा गया है उसका नाम है झुरोम रिवर, जो कि एक अग्नि देवता के नाम पे ये नाम रखा गया था। सारी चीजें क्लियर है? श्रीलंका से तो चुरा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। हाँ, फूड इमरजेंसी लगाई थी चाइना में, वहां से पैसा लेने चले गए थे, पहुंच गए थे ये लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, श्रीलंका से चुरा लिया एक तरह से, ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट जापान? जापान बहुत अच्छा चल रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सबसे आगे जापान है, लेकिन जब बुलेट की बात आती है तो चाइना जापान को पीछे छोड़ चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो। हाल ही में किस देश ने विश्व में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड ये किसने बनाया है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा तेज स्पीड भाई साहब कहाँ चलती है? चलो देखते हैं, जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ। जापान में, ये लो जापान का नाम लिया और जापान आ ही गया। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है गाइस, इंटरनेट स्पीड की जब बात आती है तो जापान इसके अंदर नंबर वन पे है, ठीक है, जापान नंबर वन पे है। देखो, जापान की कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसने एक डाटा रिलीज किया है, इसकी जो टीम है इसने बताया है कि 3000 किलोमीटर की दूरी पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो यहाँ पर स्पीड नोट की गई है वो सुनोगे कितनी है, 319 टेराबाइट्स पर सेकंड, पर सेकंड। टेराबाइट्स, टेराबाइट समझते हो क्या होता है, ना तो एमबी है ना तो जीबी है, टीबी है, 1024 जीबी होता है इक्वल टू 1 TB, ठीक है। हमारी तो एमबीपीएस में आती है स्पीड, एमबीपीएस में आती है, इनकी देखो टीबी में आ रही है, तो मतलब क्लिक करने से पहले तो मूवीज डाउनलोड हो जाती होंगी यार। हाँ चलो सुनो, हमारे कई देर तक बफर होता रहता है, होता रहता है, वेट करते रहते हैं गोल गोल घूमना कब बंद होगा, जब गोल गोल घूमना बंद होता है फिर इंतजार करते हैं खुलेगा कुछ है, फिर खुलता है तो ऐड आ जाती इतनी देर में, है ना, दुखी हम तो। खैर सुनो, अभी 5G आ रहा है ना, देखते हैं क्या होता है। 3000 किलोमीटर पर ये टेस्टिंग की गई है, इतनी दूरी पर भी जब इसे यूज किया गया तो 319 टेराबाइट्स की स्पीड यहाँ पर नोट की गई है, ठीक है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था जापान का वो कितना था, 178 टेराबाइट्स का रिकॉर्ड था, जो इन्होंने खुद ही अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और ये डाटा ट्रांसफर करने के दौरान एक खास चीज ये नोट की गई है कि कोई भी स्पीड के अंदर गिरावट नोट नहीं की गई, जबकि हम यहाँ नेट चलाते हैं तो कभी स्पीड ज्यादा आती है, कभी स्पीड कम आती है, है ना, कभी तो एकदम मूवी मस्त चल रही होती है, बीच में कभी बफर हो जाता है और रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस प्रकार की कोई भी गिरावट नोट नहीं की गई। जब हम जापान की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या होती है, टोक्यो। आपसे एक सवाल पूछा जाता है पेपर में कि टोक्यो जो है ये किस आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, तो आइलैंड याद रखिएगा होनशू आइलैंड है, कौन सा, होनशू आइलैंड। अच्छा, यहीं पर तो आपकी ओलंपिक्स हुए थे, अब प्लीज ना ओलंपिक से क्वेश्चन जो पूछेगा ना कसम से बता रहे बहुत मारूंगी, अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों ने, कई बार बता चुके हैं तुमको, ठीक है। अब सुनो, जापान, अभी एक लिस्ट आती है 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट, जो 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आई थी आपसे पूछा जाएगा इस लिस्ट के अंदर टॉप पे जो सुपर कंप्यूटर था वो किसका था, तो जापान का ही था। नाम क्या था उसका,
फुगाकू नाम था उसका, क्या था? फुगाकू, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक प्रश्न ये बनता है, सवाल बनता है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है और ये कौन से नंबर पे था? मैं बताऊंगी या तुम बताओगे? मैं बताऊंगी या तुम बताओगे? चलो तुम ही बता दो, इतना लिख दिया मैंने, पा लिख कर छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो है रैंक कौन सी थी? 63 थी। राजेंद्र बिल्कुल सही है, परम सिद्धि है। क्या है? परम सिद्धि है, ठीक है, परम सिद्धि। इंडिया का सुपर कंप्यूटर स्वाहा 63 नंबर पे आया है। चलो अच्छा, जापान। एक और इंडेक्स आता है भाई, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इंडिया की रैंक रही थी वो 90 है। कौन सा किसका पासपोर्ट नंबर वन पे था? जापान का पासपोर्ट नंबर वन पे था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जापान का पासपोर्ट नंबर वन पे। ये 93 कंट्रीज के अंदर बिना वीजा के घूम सकता है। हम कितनी कंट्रीज में जा सकते हैं? हम सिर्फ 58 गिने चुने कंट्रीज हैं उनमें बिना वीजा के जा सकते हैं। इनमें से 6-7 तो यही आ जाते हैं, नेपाल, भूटान वगैरह, हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है, ठीक है। बिल्कुल सही है। चलो अच्छा, अब जरा, हाँ, लास्ट ईयर 85 थी इसमें इंडिया की रैंक, और उससे पहले 84 थी, और अब 90 आ गई है। तो ये उतार चढ़ाव जो है ना वो ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ना। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पार्क्सन ट्रॉफी है किसने जीती है, कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ, हाल ही में जो स्पार्क्सन ट्रॉफी है किसने जीती है? तब तक हम आपको बताते हैं आगे की कहानी। सुनो, ये जो ट्रॉफी है किस खेल में दी जाती है? तो चेस में दी जाती है। किसमें दी जाती है? चेस में दी जाती है। और चेस कंडक्ट करवाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर किसके द्वारा? फिडे के द्वारा। और जो फिडे का हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलता है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। ओके, अब सुनो, चेस, पहले चेस को क्या कहा जाता था? जैसे अभी बोलते ना, आओ चेस खेलते हैं, चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट, ये पहले क्या कहते थे? पहले खेलते थे, चलो यार चतुरंग खेलते हैं। क्या? चतुरंग। तो इसका पुराना जो नाम होता था चतुरंग होता था। चेस डे पूछा जाए, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है 20 जुलाई को। इसकी स्थापना कब होती है? एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1924 को इसकी शुरुआत की जाती है। अब यहाँ पर आंसर बच्चे किए जा रहे हैं क्या? कोनेरू हम्पी, हे भगवान, मतलब तुमको विश्वनाथन आनंद पर भरोसा ही नहीं है? हाँ, नलायको, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। विश्वनाथन आनंद ने जीता है, जो पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, व्लादिमीर को हरा के जीता है इन्होंने, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ आया सभी को? तो बेटा सबके सब गलत जा रहे थे। अब आ जाओ, सुनो, एक नाम बता रही हूँ आपको, वो याद रखिएगा। अब मैं ग्रैंड मास्टर्स नहीं बताऊंगी, ये चीजें मैं कई बार करा चुकी हूँ कि टोटल 70 ग्रैंड मास्टर्स है। 70th वाले कौन है? राजा, क्या नाम है उनका? ऋत्विक, ठीक है, राजा ऋत्विक है। 69th वाले कौन से हैं? तो हर्षित राजा है। 68th वाले कौन थे? अर्जुन कल्याण थे। तो ये सारे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो प्लीज, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से है? और तमिलनाडु से। अब आ जाओ, कुछ नई बात बताते हैं, सुनो, एक नाम याद रखना है आपको, हो यिफान का। किसका? हो यिफान। ये कहां से हैं? चाइना से हैं। और फिडे चेस डॉट कॉम जो महिलाओं वाला हुआ था उसको इन्होंने जीता था, ठीक है, उसको इन्होंने जीता था। सबसे कम उम्र की जो है वो यही है जो कि चाइना से बिलोंग करती, महिलाओं के मामले में अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है। चलो, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, आप सभी को पता है। आपसे सवाल में ये तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, सबको पता है। अगर पूछ लिया जाए इनकी बायोग्राफी क्या है, तो लिख कर आओगे माइंड मास्टर के नाम से। किस नाम से है? माइंड मास्टर के नाम से इनकी बायोग्राफी आती है। इन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। सारी चीजें क्लियर हैं? नहीं यार, महिलाओं में आदमी खेलेंगे तो फिर वो महिलाओं वाला क्यों हुआ? आप एक बात बताओ मुझे, गर्ल्स कॉलेज में अगर बॉयज जाने लगेंगे तो क्या आप उसको गर्ल्स कॉलेज कहोगे? हाँ, ट्रेन के डब्बे में तो चलेगा, ऐसा हो सकता है, लेडीज डब्बा कहने को होता है, लेकिन सारे जेंट्स घुसे मिलते हैं उसके अंदर, हाँ, लेकिन वो सिर्फ ट्रेन का डब्बा है। जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो जो महिलाओं का होता है उसमें सिर्फ महिलाएं ही परफॉर्म करती हैं, समझ आई बात? हाँ, कोई ट्रेन का डब्बा थोड़ी ना है, कि है तो ना महिलाओं का, आ जाएंगे पुरुष भी यहाँ पर, यार क्या मतलब, हाँ, किसने बोला है ये? किसने बोला है? मुझे बताओ, पहले नाम बताओ, हद करते हो यार। चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, मतलब कुछ भी, हाँ,
आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ, ये कुछ बच्चे एंटरटेन करने आते हैं बस क्लास में, और कुछ नहीं है ना, हमें हंसाने आते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में। चलो अच्छा है, थैंक यू। सुनो, आरएसएस, आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय सेवा दल है। हु रोट द बुक बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा? तो ये जो बुक है आपसे पूछा जा रहा है कि इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया, आंसर क्या करके आओगे? सुधांशु, बिल्कुल सही है, सुधांशु मित्तल ने इस बुक को लिखा है। और ये है कौन? तो बीजेपी पार्टी के एक नेता है, और इस बुक को लिखा हुआ तो पहले से था चीनी भाषा में, अब इसका अनुवाद किया है किसने? जैक ब्रो ने, ब्रोनी बो है, जैक बो ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया है। लिखा किसने? सुधांशु मित्तल ने इस बुक को लिखा। दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर है। बीमल जलाल, इनकी जब बात करते हैं तो इनकी भी एक बुक आती है द इंडिया स्टोरी करके, कौन सी है? द इंडिया स्टोरी के नाम से। अब देखो, जब बुक्स की बात कर रहे हैं तो तीन नाम जरूर जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर सवाल बनेगा ही बनेगा। क्या? एक तो मोहन कृष्ण वोहरा है, जिन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था, तो इनका उपन्यास पूछा जाएगा किसके लिए मिला था? साहित्य संघर्ष और क्या नाम था, तस्लीमा, तस्लीमा साहित्य और संघर्ष के लिए इन्हें दिया गया था। गाइस बोल रही हूँ तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, मोहन कृष्ण वोहरा है, तस्लीमा साहित्य और संघर्ष के लिए मिला था, ठीक है। एक आपसे पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान, ये किन्हें मिलता है? तो जो सरस्वती सम्मान था ये दिया गया था सरल कुमार लिम्बाले को। एक आपको याद रखना है व्यास सम्मान, ये किसको दिया गया था? तो ये दिया जाता है शरद पगारे को, इनका एक उपन्यास आता है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसके लिए। तो तीनों पॉइंट्स प्लीज राइट डाउन करना, सवाल जरूर बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट, प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक का हाल ही में निधन हो गया, अब ये बहुत फेमस थे तो यहाँ से सवाल बन सकता है, जरा देखते हैं ये कौन थे। देखो भाई, वायलिन बजाते थे, क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे, कर्नाटक से ही बिलोंग करते थे, और क्या हो गया, अभी ये हमें छोड़कर चले गए हैं, इनका क्या हो गया? इनका निधन हो गया। तो जरा देखते हैं इनका नाम क्या था। गाइज एक बार से प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अरे वाह, मतलब आज से तुम्हारा प्यार है उमड़ बढ़ के आ रहा है, 52 ऑलरेडी लाइक्स कर चुके हो, जो टारगेट तुमको देती थी। चलो थैंक यू सो मच गाइज, एक काम करो, जो लाइक्स जो संख्या है ना इसको जरा 70 तक पहुंचा दो बस, और इससे ज्यादा मोह माया नहीं है मुझे, बस 70 तक पहुंचा दो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो कम बैक टू द क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा आपसे। हाँ, सो इनका निधन हो गया, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन थे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरे वाह बिल्कुल, श्री आर भास्करन थे। कौन थे? श्री आर भास्करन थे। तो ये वायलिन वादक थे और अभी हमारे बीच में नहीं रहे। उर्मिल थापरियाल, इनकी बात करते हैं तो थिएट्रिकल डायरेक्टर, इनका भी निधन हो चुका, ये थिएट्रिकल एक डायरेक्टर थे। ओके, यशपाल शर्मा, 1983 में जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उसके ये प्लेयर रह चुके हैं और ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। माधव मोघे का भी निधन हो गया, जो कि एक एक्टर थे और एक मिमिक्री कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो इससे सवाल बन सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। चलो आप लोग इसका आंसर करो, तब तक हम जरा आपको फुटबॉल की कुछ कहानी बता देते हैं। सुनो, जब भी फुटबॉल का नाम आता है तो आपको एक नाम जरूर याद रखना है, किसका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें फुटबॉल में आजकल क्या है नाम, ये छा रहा है आजकल फुटबॉल का, ठीक है। कहां से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। 111 गोल करने का रिकॉर्ड ये अपने नाम दर्ज कर चुके, 111 किसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इन्होंने, तो अली डेही का रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं, इनके नाम पर 109 गोल थे। सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो हमारे देश के हैं सुनील छेत्री हैं इनका नाम, ठीक है। अच्छा, सुनील छेत्री ने किसको पीछे छोड़ दिया, यानी कि जो थर्ड नंबर पे हैं, दैट इज लियोनल मेसी। कौन? लियोनल मेसी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल अभी हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, हाईएस्ट पेड फुटबॉलर पूछा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही होगा सही आंसर। और कितना कमाते हैं ये, अभी हाल ही में इनकी जो इनकम है $125 मिलियन। भगवान, मतलब थोड़ा सा झड़का भी देंगे ना तो चांदी हो जाएगी हमारी। हाँ चलो, तो इतना जो है हाईएस्ट पेड अमाउंट के साथ में ये जो है सबसे आगे है कमाई के मामले में। अब आंसर जो बच्चे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं,
बाला देवी, ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये तो बात हो गई महिला फुटबॉलर्स में। अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए मेंस कैटेगरी में किन्हें चुना गया था यहाँ पर, तो आंसर क्या करके आओगे? संदेश झिंझाम उनका नाम है। क्या नाम है? संदेश झिंगमैन, मैन है झिंगमैन, संदेश झिंगमैन, ये दोनों नाम आपको याद रखने। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाला देवी है, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो संदेश है। देखो ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना, संदेश, आपने देवी जैसे प्रार्थना की कि हे देवी माँ हमें भी थोड़ा सा मतलब मॉक में नंबर बढ़ा दो, एक अच्छे से नौकरी दिला दो, तो देवी माँ ने आपको क्या दिया, एक संदेश दिया। क्या दिया? एक संदेश दिया। क्या लिखा था उसमें? पढ़ लो, मेहनत कर लो, हो जाओगे पास, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। ठीक है, ऐसे याद रखना दोनों का नाम। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो लिवरपूल कहाँ है? लिवरपूल, लिवरपूल की जब बात करते हैं तो ये एक सिटी भी है, और ये जो सिटी है वो इंग्लैंड का, एक इंग्लैंड के अंदर है, और अभी हाल ही में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिमूव कर दिया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि लिवरपूल को लेकर के, इसके डेवलपमेंट को लेकर जो फंडिंग की जाती थी, जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया जाता था, उसको लेकर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम नजर नहीं आ रहा था। तो यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने इसको बंद कर दिया, इसको हटा दिया कि भैया हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखेंगे ही नहीं, खर्चा खर्चा दिए जा रहे, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा इसमें। तो लिवरपूल को हाल ही में रिमूव कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ध्यान रखना। अब देखो हाँ, सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि यह किस देश के अंदर लोकेटेड है। अब सच बताऊं तुमको एक बात में, हंसेगा नहीं कोई, हंसेगा नहीं कोई भी, कसम है उसको। अभी मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि यह एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया। मैंने बस लिवरपूल पढ़ा था और मुझे लगा स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन होगा, पढ़ते ही आगे बस लिवरपूल देखा और सीधा इसको एक्सप्लेन कर दिया। और जब मैं रुकी तो मैंने देखा है ये क्या, तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। खेला हो जाता है हमारे साथ में कभी कभी, क्या करें। चलो अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? आपका इंग्लैंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सुनो यहाँ से, जो कि एग्जाम के अंदर बढ़ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ गया पेन, मिस्टर इंडिया हो जाता है। इंडिया के अंदर कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं? तो एट प्रेजेंट में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। लेटेस्ट वाली जो दो ऐड हुई है वो जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सी ऐड हुई है लेटेस्ट वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो एक तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर क्या नाम था उसका, अरे गुजरात का धोलावीरा है, तो हाँ यार हड़प्पा की जगह है धोलावीरा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और एक है रमप्पा टेम्पल जो कि कहाँ मिलता है, तेलंगाना के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसको, इन दोनों को अभी हाल ही में क्या किया गया है गाइस, ऐड किया गया है। ठीक है, अब सुनो अगर आपसे पूछा जाए लिवरपूल से क्वेश्चन बन जाए, मान लो कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया था जो अब हटा दिया है, तो इसे शामिल किया जाता है कब, 2004 के अंदर। कब 2000, हे भगवान, 2004 देखो कैसा लिखा है, मतलब हद हो गई है कसम से। चलो 2004 में इसे शामिल किया गया था, समझ आया सभी को क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़। अच्छा सुनो, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, अगर आपसे रामसर साइट्स पूछी जाए कितनी हो चुकी हैं, रामसर साइट्स 46 करके आओगे। अच्छा नेशनल पार्क्स ये कितने हो गए, 106 हो गए हैं, 106 हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व्स की संख्या, तो ये कितनी हो चुकी है, 53 हो चुकी है। और 53rd वाला जो टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। सारे पॉइंट्स क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भाई बहुत अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, मतलब 70 का टारगेट भी तुम लोग अचीव करने वाले हो, ओह मतलब आज तो भाई गजब ही जोश है तुम लोगों में, टारगेट्स दे रही हूँ उससे पहले तुम लोग अचीव कर ले रहे हो। हाँ चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के प्रोडक्शन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ भाई आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जब हम राइस की बात करते हैं, राइस की, तो इंडिया की जब बात करेंगे तो इसका रिसर्च सेंटर दो जगह मिलता है, एक आपको हैदराबाद में मिलेगा, लेकिन ये जो है ना सिर्फ रिसर्च सेंटर है, जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ये आपको कटक के अंदर मिलता है, यानी कि ओडिशा में। कटक कौन सी नदी के किनारे पर है, महानदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
अब आ जाओ गोल्डन राइस पर। गोल्डन राइस के प्रोडक्शन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बना है ये कौन सा बना है? तो फिलीपींस। आंसर करके आओगे कौन सा देश बना है? फिलीपींस बना है, ठीक है, फिलीपींस। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मिलता है, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है ये आपको यहीं पर तो मिलता है, फिलीपींस के अंदर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? सब सही चल रहा है? ओके, आगे सुनो। देखो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक टाइम पर, रेमन मैग्सेसे, तो उनके नाम पर एक अवार्ड दिए जाते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कई बार सवाल बनता है कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है यह है किस देश के प्रेसिडेंट के नाम पर दिए जाते हैं? तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर दिए जाते हैं। हाल ही में 2020 की जब हम बात करते हैं तो कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। इंडिया में किसी को नहीं मिला, इसलिए आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया से पूछा जाएगा 2019 वाला जो कि रवीश कुमार को दिया गया था। किसको? रवीश कुमार को दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने फिलीपींस से, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल हम किसको दे रहे हैं? फिलीपींस को ही तो दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम थाईलैंड को भी दे चुके हैं और वियतनाम को भी दे चुके हैं ब्रह्मोस। अब हम फिलीपींस को देने जा रहे हैं। जो किस देश की हेल्प से हमने बनाया था? तो रशिया की हेल्प से हमने इसे बनाया था। रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। वीकली लाइव मॉक क्यों नहीं आता है सब? क्या बात करूं, नहीं तो आज आने वाला था भाई लाइव मॉक टेस्ट, आपका आज नहीं आया, मैंने चेक नहीं किया है, बट मुझे था कि यार आने वाला तो है, क्योंकि ऐसा कुछ अभी टीचर्स को तो नहीं बताया कि बंद हो गया, मेरे हिसाब से तो चल रहे हैं भाई आपकी। अच्छा बताओ, किसी सारे बच्चे एक बार से बताओ, किसी ने दिया है मॉक टेस्ट आज का? नहीं हुआ सच में? आज का लाइव मॉक टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार से बताओ भाई मुझे। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार टीम से बात करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ भाई, लाइव मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, हर संडे को फ्री मिलेगा, ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है। चलो अच्छा, राइस की बात चले तो किस कौन सा राइस है जिसके लिए पाकिस्तान को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में? तो भाई एक तो याद रखोगे आप लोग, बासमती राइस। बासमती जो राइस है इस पर जीआई टैग लिया है किसने? पाकिस्तान ने लिया है। इसने गुलाबी नमक पे भी जीआई टैग लिया है, ये भी ध्यान रखना, किस पे? गुलाबी नमक पे भी लिया। हमारी कंट्री की बात करते हैं तो देखो, लाल चावल असम ने जीआई टैग लिया, काला चावल मणिपुर ने जीआई टैग लिया है। काला नमक चावल ये महोत्सव है जो सेलिब्रेट किया गया था कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सारे पॉइंट्स याद रखना। टेस्ट पर देते हैं मॉक हम? अच्छा बिहारी पहचान, एसएससी ट्यूब पर नहीं देते हो? भाई यहाँ के तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैं तो यहीं का दे देती यार। आगे आ जाओ, और मैंने सुना है काफी सारे बच्चे यहीं पर देते हैं, अच्छा होता है, आप एसएससी ट्यूब पर ज्वाइन करो। देखो नेक्स्ट, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को स्टार्ट किया है, किस राज्य सरकार ने इसे स्टार्ट किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई जल्दी से यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाक से। अच्छा टेस्ट बुक पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश मेरा, देखो तो उत्तर प्रदेश वालों की मतलब भावना ही देखो एक बार, उत्तर प्रदेश वालों की जो निकल निकल कर आ रही है ना, मैम मेरा उत्तर प्रदेश, हाँ भाई ठीक है चलो आ जाओ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? योगी जी ने ये कहा है कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, पेरेंट्स में से अगर किसी एक भी पर्सन की डेथ हो गई है और उसकी एज अगर 18 साल से कम है तो क्या किया जाएगा? उसको सरकार की तरफ से यहाँ पर हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे, ये मंथली मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? प्लस फ्री एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन में बुक्स एंड यूनिफॉर्म भी मिलेगी, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि शादी के समय पर रिश्ता नहीं ढूंढ कर देंगे, ठीक है, कहीं खुश हो रहे उत्तर प्रदेश वाले, आहा मैम शादी की बात आ गई है, क्या लड़का भी देख कर देंगे लड़की भी देख कर देंगे? नलायको सुनो, जब शादी का समय आएगा तो लड़कियों को दिया जाएगा 1,00,000 रुपए कन्यादान, 1,00,000 रुपए दिया जाएगा, प्लस 1,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। 1,01,000 रुपए जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार देगी, सिर्फ लड़कियों को देगी, लड़कों को नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लड़कियों के खर्चे ज्यादा होते ना, इसलिए लड़कियों को दिया जा रहा है। तुम्हारे क्या खर्चे हैं? एक लैपटॉप और एक लोशन होता है और क्या होता है तुम्हारे पास? कुछ नहीं होता, सुना नहीं है वो पंचनामा है, उसका वर्जन किसी ने किया था ना,
यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल वही। हाँ उज्ज्वला 2.0 बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, गैस सिलेंडर्स वितरित करने के लिए स्टार्ट किया था, और इसका जो 2.0 वर्जन है ये यूपी की महोबा से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यूपी का जो महोबा जो जिला है वहां से ये योजना स्टार्ट होती है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये भी किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था झांसी में, ठीक है, और काला नमक चावल महोत्सव मनाया था सिद्धार्थनगर में, केला महोत्सव मनाया था कुशीनगर में, गुड़ महोत्सव मनाया था गौतम बुद्ध नगर में। चार महोत्सव बताए हैं, चारों के चारों छाप लेना, सवाल बनेगा यहाँ से। समझ में आया सभी को? ओके हाँ भाई, बॉयज को लैपटॉप मिलेगा, कहीं ना मिलेगा लैपटॉप, ठीक है ना, ध्यान रखो, इस वहम में मत रहना उत्तर प्रदेश वालों। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे जब तक कि वो 18 साल के नहीं होते हैं। फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1,01,000 रुपए लड़कियों को उनकी शादी पर दिए जाएंगे। ई पंचायत 2021 वाला किसने जीता है? ई पंचायत, देखो यार मतलब कसम से बता रहे तोड़ देंगे इस पैन को हम। ई पंचायत पुरस्कार 2021 वाला जीता है उत्तर प्रदेश ने, 2020 वाला जीता था किसने? हिमाचल प्रदेश ने, वो पहला वाला था। अनूठी उपहार योजना जो है ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि सबके सब वैक्सीनेशन कराने के लिए आए। पिंक बूथ भी इसने शुरू किए थे उत्तर प्रदेश ने। टू चाइल्ड पॉलिसी, हाँ ये कौन भूल सकता है, ये भी यहीं पर स्टार्ट की गई। अब सुनो एक लेटेस्ट बताती हूँ तुमको न्यूज यहाँ से। अभी क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो योजना है ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अम्बेसडर बनाए हैं किसको? कंगना दीदी को, ठीक है, कंगना दीदी को इसका ब्रांड अम्बेसडर बनाया है कि भाई ये जो योजना है पूरी, इस योजना का बागडोर कौन संभालेंगी? कंगना रनौत संभालेंगी इस पूरी चीज का बागडोर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ पहला हाथी अस्पताल ये आपका मथुरा में ओपन होता है, बिल्कुल सही है। देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी यही मिलेगी नोएडा के अंदर, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में मिलेगी। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स वाला स्टेट यूपी बनने जा रहा है 2022 तक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, अभी 3 है और थर्ड वाला कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसे कि इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो योगी जी सीएम है और आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 75 यहाँ पर जिले हैं और कुल राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है। लोकसभा की कितनी है? 80 है। विधानसभा की कितनी है? 403 है। बता दिए तुमको पूरा उत्तर प्रदेश घुमा दिए हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? मैंने सोचा चलो कुछ बच्चे भावनाओं में बह रहे हैं, यूपी वाले हैं, खुश हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हाल ही की तो बात है यार, है ना, ये 20 जुलाई समथिंग की तो बात है, जब जेफ बेजोस गए थे कहां पर? अंतरिक्ष पर गए थे। तो जेफ बेजोस अकेले थोड़े ना गए थे, इनके साथ में 3 लोग और गए थे। तो यहां पर ये 11 मिनट जो है अंतरिक्ष में चक्कर काट कर आ गए थे और इनका दिल गार्डन गार्डन हो गया था खुशी के मारे, ये खुश हो गए थे, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया था। तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद सवाल बने यहां से, होगा क्या, पेपर में सवाल आएंगे अब यहां से। अब सुनो कौन कौन से सवाल आएंगे। पहला तो यही बन गया, सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? ओलिवर डियमन। ओलिवर डियमन कितने साल के हैं? 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं। जेफ बेजोस के साथ में गए थे 20 जुलाई को। कौन से मिशन के तहत गए थे, कौन सी कंपनी लेकर गई थी? ब्लू ओरिजिन लेकर गई थी। इनके साथ में और कौन गया था? वैली फंक, जो देख रहे हो ना वैली फंक, ये भी गए थे। और भाई दूसरा सवाल ये बनेगा, सबसे उम्र दराज कौन बने हैं अंतरिक्ष में जाने वाले? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहले से सोच कर गए थे कि करंट अफेयर के लिए सवाल बढ़ाने हैं, एक सबसे कम उम्र वाला लेकर गए, एक सबसे उम्र दराज। चलो ठीक है, जेफ बेजोस के साथ में ये गए थे। इसके अलावा इनके भाई भी तो गए थे, क्या नाम है इनका? मार्क बेजोस, ये क्या है, इनके भाई है, तो ये भी साथ में गए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते, सबसे कम उम्र का, सबसे अधिक उम्र का, कौन सी कंपनी लेकर गई थी, ब्लू ओरिजिन से इनके गए थे, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सवालों पे, और भी ज्यादा सवाल क्या क्या बनेंगे सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस में जाने वाले जो पहले पर्सन थे, तो भाई आंसर क्या करके आओगे? स्पेस की बात कर रही हूँ, मून की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यूरी गागरीन है आंसर, क्या है? यूरी गागरीन है। और ये कब जाते हैं? 12 अप्रैल 1961 को गए थे, यानी कि 1961 को ये स्पेस में गए थे।
तभी से उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में। किस दिन को? 12 अप्रैल को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए स्पेस में जाने वाले जो फर्स्ट बिलियनियर थे, पहले जो बिलियनियर थे उनका नाम क्या हो जाएगा? तो रिचर्ड ब्रांसन उनका नाम है। क्या नाम है? रिचर्ड ब्रांसन। यार प्लीज आज के लिए गाइस एडजस्ट कर लो, मुझे शर्म आ रही है ये बोलने में कि आज एडजस्ट कर लो। पिछले 3 दिनों से यही बोल रही हूँ मैं, यार सीरियसली बता रही हूँ। मैं कल कराने वाली थी लेकिन पता नहीं कैसे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। आज क्लास ओवर करने के बाद सबसे पहले मुझे यही काम करना, मतलब भूल जाती हूँ यार आजकल, भूलने की बीमारी हो गई है मुझे। क्वेश्चंस नहीं बोलते, शुक्र मनाओ तू, ठीक है। करंट अफेयर का कुछ भूलते नहीं, शुक्र मनाओ। पता चले ये भी भूलने की बीमारी होगी तो पढ़ना छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। हाँ और चीजें भूल जाते हैं क्योंकि दिमाग सारा दिन इसी में होता है, सारा दिन तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बनाओ। सुबह सुबह न्यूज के पीछे भागती हो, शाम तक जाकर के सारी न्यूज इकट्ठी हो पाती, तब जाकर के पूरा कंटेंट कलेक्ट होता है, फिर वो क्वेश्चंस इकट्ठे करके कंटेंट मैनेजर को भेजती हो कि भैया टाइप कर दो अब इनको, हाँ तब जाकर के तुम्हारा कंटेंट प्रिपेयर होता है। तो इतना आसान नहीं है, और फिर तुम लोग एक लाइक तक करते नहीं हो सेशन को, तो सोचो कितने कंजूस हो तुम लोग। हाँ मैम कोई नहीं, वैसे भी हमें आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, इतनी गंदी बेइज्जती करते हैं मैम, वैसे भी आपकी हमें हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। चलो आगे आ जाओ, किस भाव? मुझे लगा कहीं मैम कोई बात नहीं, वैसे भी हमें आदत हो गई समझने की, मतलब हद है। किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बताओ भाई, पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किस भारतीय निशानेबाज ने ऐसा किया है? तो आंसर क्या करके आओगे? जीतू राय है, बाला देवी है, रुबीना फ्रांसिस है, या फिर मनु भाकर है? सो विच इज योर करेक्ट आंसर? क्या होगा भाई यहाँ पर? शिरीषा बांदला नाम याद रखिएगा गाइस, हाँ मैं भूल गई थी, स्पेस में जाने वाली ये इंडिया में पैदा होने वाली तो सेकेंड बनी है, फर्स्ट कल्पना चावला थी। वैसे इंडियन ऑरिजिन का पूछा जाए थर्ड बनी है, फर्स्ट कल्पना चावला थी, सेकंड सुनीता विलियम्स, और ये थर्ड बनी थी आपकी, ठीक है। और पर्सन्स में पूछा जाए तो ये फोर्थ है, फर्स्ट तो आपके राकेश शर्मा रहे थे। ओके, तो शिरीषा बांदा का नाम जरूर याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा, पहली सैटेलाइट लकड़ी से बनी बिजा वुड सेट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अब आ जाओ, निशानेबाज ने पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और आपसे पूछा जा रहा है कि किसने बनाया है, तो आंसर बताओ भाई। गाइज 70 का लाइक्स का टारगेट तो आप लोगों ने अचीव कर दिया है, लेकिन 69 हुआ है तो एक बचा है। अब टारगेट भी थोड़ा सा बढ़ा देते तुम्हारे लिए, 80 का रखते हैं, ठीक है, लेवल बढ़ रहा है ना हमारा। 80 का टारगेट है, 10 लाइक्स और करने गाइज, फटाक से करके सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज, ईमानदारी के साथ में। ओके चलो सवाल देखो, यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है भाई, और नाम जो रहेगा दैट इज जीतू राय। हाँ सबका आंसर जीतू राय है, सोच लो, सोच लिया? देखो भाई जीतू राय, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं तो सबके सब यहाँ पे गलत जा रहे हैं, खेला होगा तुम्हारे साथ में। सुनो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही आंसर, गलत है गाइस, गलत है। हाँ रुबीना, रुबीना फ्रांसिस की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 10 मीटर की एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, पैरा एथलीट है ये, ठीक है। और ये जो शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी? पेरू के अंदर की जा रही थी, कहाँ पर? पेरू में ये आयोजन हो रहा था आपका, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है सबको? अच्छा एक अपनी लेखरा का नाम याद रखना है, पैरालंपिक्स के अंदर अभी इन्होंने गोल्ड जीता 10 मीटर की एयर पिस्टल में, और ये कहां से है? राजस्थान से। तो राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। इन्होंने 50 मीटर की एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज भी जीता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। समझ आए सारी चीजें? गई भैंस पानी में, अरे भाई ऐसे करोगे तो जाएगी ना भैंस पानी में, भैंस कब तक रुकेगी? हाँ भैंस को भी तो चाहिए ना परफॉर्मेंस अच्छी, तुम लो उस पानी में भेज देते हो। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, किस भारतीय पहलवान ने 73 केजी की कैटेगरी में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 73 केजी कैटेगरी में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब यहां पर जीत लिया है, तो ये किसने जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कैटेगरी कौन सी? 73 केजी की कैटेगरी है, किसने जीता है? तनु, प्रिया, कविता, कौन है? हाँ ऐसा लग रहा है पड़ोसनों के नाम है सारे। देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी आपकी? ये जो है हंगरी के अंदर आयोजित हो रही थी,
हंगरी, इसके जो कैपिटल है क्या है, बुडापेस्ट, यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा था। तो इसके अंदर जो इंडियन रेसलर है ना, उन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता है, इंडियन रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम तनु है, ठीक है, तनु, तनु ने 49 केजे की कैटेगरी में जीता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा 73 केजे की कैटेगरी में, तो ये किसने जीता है, प्रिया मलिक ने जीता है, किसने, प्रिया मलिक ने जीता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब देखो भाई, यहाँ पर हंगरी आ ही गया, तो चलो एक सवाल पूछ लेते हैं तुमसे, जरा देखे तो कितने बच्चों को पता है। आप मुझे बताओगे पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पुस्ताज घास के मैदान जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता चले गया, जब बात हंगरी की है तो हंगरी में ही पाए जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है, और क्या। हाँ बिल्कुल सही है भाई, इंडिया ने, इंडिया में हमीरा भाई चानू ने 49 केजी की कैटेगरी में जीता है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, वेरी नाइस। चलो ये सवाल हो गया यहाँ तक, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। रुद्रेश्वर टेम्पल, रमप्पा टेम्पल जिसे कहते हैं, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है ये किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो ये मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ, तेलंगाना के अंदर ये लोकेटेड है, तो इस पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की तेलंगाना के अंदर शामिल कर लिया, मतलब तेलंगाना का जो टेम्पल है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर एक गांव मिलता है पालमपेट करके, पालमपेट एक गांव है वहां पर मिलता है। 2014 के बाद से यहाँ पर ये पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि तेलंगाना के अंदर ऐड की गई है, इतने सालों से यहाँ पर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड नहीं होती। एट प्रेजेंट में इंडिया के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं, तो इनकी जो संख्या है वो 40 हो गई है। रमप्पा टेम्पल के बाद में धोलावीरा गुजरात का हड़प्पा सभ्यता की जगह है, धोलावीरा, इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। हाँ भाई, शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसको एक क्या कहा जा रहा है, कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशन में उसको ऐड किया जाएगा। ये लो सिलेबस ही सिलेबस बढ़ाए जा रहे। अब जब इनको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो भाई एकाध कम कर देना चाहिए, हाँ जो एकाध सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इतना सारा वो कम कर दो, हाँ कम से कम टॉपिक्स ही कम कर दो। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्या यूज है इसका, कोई यूज नहीं, कम से कम वही कम कर दो। मैथ्स के तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ यूज में नहीं आने हैं, फिर भी बढ़ाए जा रहे सिलेबस, बढ़ाए जा रहे। अच्छा आंसर आ रहे ओडिशा, 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 बिल्कुल सही है। देखो ओडिशा, यहाँ के जो राज्य शिक्षा मंत्री है भाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो किसके पास में है, अरुण साहू है, क्या नाम है उनका, अरुण साहू। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ में मिल करके, ठीक है, अनाउंसमेंट किया कि अगर स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी चुनौती आती, कोई भी डिजास्टर, बाढ़ है, तूफान है, साइक्लोन आते हैं, कोविड महामारी ही आ गई, तो इन सब चीजों के लिए हमें पहले से अगर प्रिपेयर रहना है तो उस चीज की जानकारी हर एक पर्सन को होनी चाहिए। और ये जानकारी कैसे होगी, जब स्कूल से ही बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है। अब बच्चे इसके बारे में एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो क्या है, बच्चों को अवेयरनेस होगी कि ये चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में बच्चों को पहले से सिखाया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, तो इसके लिए शामिल क्या है, ओडिशा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक शिक्षा और एक बोर्ड है जो कि स्टार्ट किया गया कौन से स्टेट के अंदर, तो ये राजस्थान के अंदर स्टार्ट किया। राजस्थान ने ये कहा है कि वैदिक शिक्षा जो है ना वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और वो एक अनिवार्य होनी चाहिए, मतलब इसको भी सीखना चाहिए। तो राजस्थान ने इसको लेकर एक बोर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है। और सुनो, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रामायण और महाभारत को अपने करिकुलम यानी कि अपने पाठ्यक्रम के अंदर एड किया है, तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सऊदी अरब। कौन सी है गाइस, सऊदी अरब है। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबको, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे कम उम्र के जो एथलीट है ये कौन बने हैं, सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है भाई, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। अभी तुम्हारी गाड़ी पिछले क्वेश्चन पे अटकी हुई है, हम आगे अगले क्वेश्चन पे।
भाई थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डालो। अरे वाह, लाइक्स की संख्या तुमने 75 कर दी, थैंक यू सो मच गाइस। 5 लाइक्स दूर है, 80 करनी है संख्या, ठीक है 80 करनी। तो वो पांच बच्चे, वो प्यारे प्यारे पांच बच्चे जिन्होंने अभी तक सचिन को लाइक नहीं किया, गाइस जल्दी से कर दो। हाँ आप सुनो, जब हम टोक्यो की बात करते हैं तो 2020 वाला ये एडिशन था, 32 एडिशन था। कहाँ पर हो रहा था? जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हो रहा था। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल इसके अंदर जीते हैं, ठीक है। गोल्ड याद रखिएगा नीरज, वो तो बिल्कुल याद नहीं रखना, गोल्ड तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। टोटल 7 है जीते हैं, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। आपसे थीम सॉन्ग पूछा जाएगा बस यहाँ से, ओलंपिक्स में क्या है थीम सॉन्ग? लक्ष्य तेरा सामने है और इसको मोहित चौहान ने लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ एथलीट, हाँ जी हैंड जाजा, मतलब नाम कैसे कैसे होते हैं, हैंड जाजा कैसे नाम है, लेग जाजा भी नाम होगा किसी का, हाँ लेग जाजा भी होगा, आई जाजा भी होगा फिर, चलो अच्छा हैंड जाजा। तो ये जो है इनकी उम्र पूछा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के हैं सिर्फ, और इसीलिए सबसे कम उम्र के एथलीट यहाँ पर बन गए हैं। कौन से खेल से खेलते हैं? तो ये जो है एक टेबल टेनिस प्लेयर है, क्या है ठीक है, ये क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर है, ओके तो ये ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस प्लेयर है। कौन हैंड जाजा और ये सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसी का दूसरा सवाल बनता है कि मैम सबसे उम्र दराज कौन बने हैं? फिर सबसे उम्र दराज अगर पूछा जाए तो एक नाम याद रखना है आपको, किसका? मैरी हन्ना, मैरी हन्ना ये बने हैं सबसे उम्र दराज। कितने साल के हैं? 66 ईयर्स के हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, अब हम करेंगे कल, ठीक है। और अभी प्लीज जितना मैं करा रही हूँ साथ के साथ रिवाइज जरूर करते हुए चलो, अदरवाइज आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। जाजा, हाँ हैंड जाजा, मतलब यार ना तो हैंड का कोई मतलब निकल रहा है, जो निकल रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। जाजा का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, जो निकल रहा है वो बड़ा अजीब लग रहा है ना, तो ऐसे से तो नाम रखते हैं। मैरी ये लो, इनसे तो कोई ये भी नहीं कह सकता विल यू मैरी मी, यार हद है। नाम अच्छे तो हमारे इंडिया में ही होते, चिंटो मिंटो सही, सुरेश महेश, हाँ शिवम नेहा, बहुत अच्छा, तो ऐसे से नाम होते यार, ये सही है, ये सही लगते हैं, याद करने भी आसान रहता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, इनको मैरी कैसे बोलोगे बताओ, हाँ चलो अच्छा गाइज आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं अब कल सुबह 6 बजे। यही सेशन आपका 6 बजे भी चलता है जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ, और शाम 3:30 बजे भी, दोनों क्लास में आपका जीडी का करंट अफेयर्स मैं करा रही हूँ, तो वो आप लोगों को दोनों सेशन अटेंड करें। 6 मंथ्स का हो चुका है, अब जो है आपका ये 7th मंथ का चल रहा है, ये आपका चल रहा है जुलाई अगस्त का चल रहा है ये आपका, ठीक है। चलो अच्छा, बिहारी पहचान बड़ा पिट जाओगे, ठीक है हाँ ओके ओके गाइज बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। चलो और सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा, एंड थैंक यू सो मच, आज का टारगेट आप लोगों ने अचीव कर दिया है, 80 लाइक्स का जो टारगेट मैंने दिया था वो अचीव करने के लिए शुक्रिया आप सभी।